हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोहिनी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे तो टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के यहाँ। उनके यहाँ माता का कीर्तन है, तो अथर्व और मैं जा रहे हैं। अनुज का ऑफिस था, उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, तो वो डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे ऑफिस से। हम लोगों ने ऊबर ऑटो कर लिया था, तो हमने सोचा कि हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि वो दिल्ली में ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहती। तो इस वजह से अथर्व और मैं जा रहे हैं। तो चलिए फिर डायरेक्ट पहुंच के मिलती हूँ मैं आप लोगों को। तो हम लोग पहुंच गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। मैं 12 बजे घर से निकली थी और करीब 1:30 बजे करीब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। सारी तैयारी भाभी ने पहले ही करके रख ली थी, सिर्फ हलवा बनाना था माता के भोग के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ। तो बस, और मुझे ना थोड़ा मेजरमेंट नहीं पता है, क्योंकि हम लोग कम बनाते हैं, बहुत थोड़ी सी सूजी का बनाते हैं। और यहाँ करीब आधा किलो सूजी का बन रहा था, तो मुझे नहीं पता था। इसलिए मैं ना बार बार भाभी से पूछे जा रही थी कि कितना क्या पड़ेगा, कितना क्या पड़ेगा। तो मैं भाभी को कह रही थी मुझे इतना वो नहीं है, मेजरमेंट नहीं पता। देख सकते हैं यहाँ पर सूजी भुन रही है और सारी तैयारियाँ हो चुकी थी पहले से ही। तो बस फाइनल यहाँ हलवा भी बन के तैयार हो गया है। तो बस काले वाले चने बॉईल करने रह गए थे। वैसे तो सारी तैयारी भाभी ने पहले से ही करके रखी हुई थी। और यहाँ पर पूजा की तैयारी चल रही है। ये जेठ जी हैं, भाभी हैं, ये माता रानी को चुन्नी उड़ाएंगे। तो जो मतलब स्टार्टिंग में जो पूजा वगैरह चलती है ना, अभी वो होगी। अभी सारे घर के ही लोग हैं, धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे। और मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई थी। और पता है ये है ना, एक पार्टी आई थी, ये लोग कीर्तन वगैरह करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी पार्टी थी, काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग गाए थे इन लोगों ने और काफ़ी इन्जॉय भी किया था सभी लोगों ने। और मैं ना सॉन्ग्स वगैरह पे ना वॉइस म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि ना कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से उस पर मैं म्यूज़िक लगा दूँगी। तो प्लीज़ गाइज डोंट माइंड। तो बस अभी यहाँ पर पूजा पाठ चल रही है। तो और वैसे आप लोग मेरे ससुराल वाले से तो मिले हुए हो, तो आज इंट्रोडक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग नए आए हैं, हम लोगों से जुड़े हैं जो लोग नए, उन्हें मैं बता देती हूँ, ये मेरे जेठ जिठानी हैं, तो ये सबसे बड़े हैं। और बताना गाइज मेरे जेठ जी की मेरे हस्बैंड से फेस मिलता है या नहीं मिलता। वैसे मुझे तो लगता है कि मेरी सिस्टर इन लोगों का भी, मतलब इन सभी भाई बहनों का आपस में फेस मिलता जुलता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बस पूजा चल रही है और आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी इन्जॉय करने वाले हो। हम लोगों ने तो काफ़ी इन्जॉय किया था।
आप कल कत्ते में चले जाए काली माँ के दर्शन करने के लिए, सभी काली माँ के दर्शन करेंगे और साक्षी, क्योंकि बेटे माँ से जिद करते और जिद करते हैं और वो जिद पूरी होकर रहती है। जयकारा माँ दरबार भी छठा का मैंने पता तो अच्छा लिखा रहे मैंने, पर माँ के दर्शन जरूर कराना है। बोल साचे उठाओ जरा दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। कहते ने मेरे बेटे ने मैं दसिया सी पर इन्हें थोड़ा जिदा तो बोलिया मैं तुम दसना पंजाबी कहते सीधे हाथ थोड़ गए उत्ते ओदे भाव जागणगे सुते। अभी रात के 9 बज रहे हैं तो अभी डिनर टाइम हो गया है तो हम लोग डिनर कर रहे हैं। और डिनर में मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या बना है। डिनर में बना है पूड़ी, पनीर की सब्जी और छोले। और ये देखो बच्चे तो बस अभी मैं डिनर कर लेती हूँ। देखो अतर और आज लुक थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, साड़ी पहनी है बिकॉज। तो चलिए अभी खाना खा लेती हूँ फिर बात करती हूँ। बाय बाय ए बिट्टू चलो।